मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में और रुद्राक्ष सीरीज में। आज एक और नया टॉपिक क्या है देखते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष चैप्टर 137। चैप्टर शुरू करें उसके पहले अगर मैं इस रुद्राक्ष के बारे में कुछ कहना चाहूं या कुछ विशेष बात मैं कहना चाहूं कि ये रुद्राक्ष किन बातों को रिप्रेजेंटेटिव करता है या किन बातों का मतलब किस प्रकार का हमारे जीवन के अंदर चीजों का एक विशेष द्योतक है या मतलब कि विशेष उद्देश्य के साथ में इसको पहना जाता है, तो वो सबसे बड़ी बात क्या होगी, वो है ये शार्प माइंड लीडर स्पीकर एंकर और विनर। जिसको भी मन में बनने की इच्छा हो या इस प्रकार का हम चाहते हो जीवन में, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए कि इस रुद्राक्ष के अंदर वो ताकत है। क्योंकि अभी आप डिटेल जब समझेंगे इसकी तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें इतने सारे गुण क्यों हैं जो एक इंसान को इतनी बड़ी क्वालिटीज दे सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कहां हुई इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति होती है नेपाल में, इंडोनेशिया में और भारत में। लगभग सभी रुद्राक्षों की यहां पर हो रही है। कुछ मार्केट और भी कई जगह शिफ्ट हुआ है जहां बर्फीली जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की देखी गई है और जो आता है हमारे पास में वो सबसे ज्यादा यहीं का आता है। दूसरे नंबर पे कैसा होता है इसका रूप। गोल होता है, मध्यम आकार का होता है और छह धारियां होती है। साथ ही कलर इसका भूरा और इसके मिलते जुलते जो भी शेड्स हैं वो इनका कलर होगा। तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम ये चैप्टर देख रहे हैं कि आखिर इसके फायदे क्या क्या हैं। तो फायदों में कई सारे फायदे हैं जिसकी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शायद सबको जरूरत है, बल्कि जरूरत है ही। बुद्धि में तीव्रता, रोग मुक्ति, आकर्षण, लीडरशिप, भाषण कला में इंप्रूवमेंट और एक बहुत बड़ी चीज स्मार्ट वॉक्यूबुलरी। ये स्मार्ट वॉक्यूबुलरी क्या है दोस्तों? शब्दकोश, यानी बंदा बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि ये शब्द आखिर इसके पास में कहां से आ रहे हैं, जबकि हम एक जनरल भाषा बोल रहे होंगे, लेकिन उन हर एक दो लाइन के बीच में एक ऐसे वर्ड्स आपको नजर आने वाले हैं इसके प्रभाव से कि बिल्कुल बातों का मतलब बातों में दम लगना, ये ऐसे कहते हैं ना, बहुत भारी वजन है इस बात में और वो बात में बंदा खिंचा चला आए जो भी इस बात को सुने। तो ऐसे शब्दकोश का मालिक, ऐसे शब्दकोश का प्रभाव जीवन में इस रुद्राक्ष की वजह से देखा जा सकता है। लग्जरी लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टाइल जो भी है उसमें काफी कुछ सुधार स्टूडेंट के लिए इस का विशेष प्रभाव माना गया है। देखिए ये सारी चीजें जब हम हमारी लाइफ की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं, यानी एक अच्छा पड़ाव आता है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं या मतलब वो जो एक सीखने सिखाने की उम्र होती है जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और पता नहीं क्या क्या हर तरह का ज्ञान आकर्षित हमको करता है और हम उस आकर्षण से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बुरा ज्ञान सब तरीके का लेते हैं। तो उस समय पे स्टूडेंट्स के लिए एक सही मोटिवेशन मिले, सही लाइन मिले, तो एक बहुत अच्छा रुद्राक्ष उनके लिए माना गया है। शादी होने के बाद यानी वैवाहिक जीवन में जब नीरसता आने लगे, लगे कि बस क्या कर लिया हमने या क्यों हम शादीशुदा जीवन का मजा नहीं ले पा रहे, आनंदित क्यों नहीं हो पा रहा हमारा परिवार या हमारा जो जीवन साथी के साथ में संबंध है, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया। ये सब का बातों के पीछे एक रीजन है, वो अभी रीजन आपको ज्योतिषीय फायदों में नजर आ जाएगा। ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन या म्यूजिक वर्ल्ड जो है उसमें कैसा भी आपका काम हो उसमें ये बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है। थोड़ा सा सही और थोड़ा तरीके से अगर इसको धारण किया जाए और जो इसकी सावधानियां वो रखी जाए तो निश्चित रूप से ये छह मुखी रुद्राक्ष जीवन में एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। आइए इसके साथ में जानते हैं ज्योतिषीय फायदे। तो ज्योतिषीय फायदों में आप देखेंगे शुक्र का प्रभाव बढ़ाने। देखिए छह मुखी रुद्राक्ष, छह मूलांक आपने सुना होगा, वो सबसे ज्यादा शुक्र यानी पूरी तरह से शुक्र को समर्पित है और ये पूरी तरह से शुक्र के लिए। तो शुक्र का कोई भी प्रभाव लाइफ में है उसको बढ़ाने के लिए या बैलेंस करने के लिए या उसका जो कारकत्व है उसका उचित फल जीवन में हमको प्राप्त हो इसके लिए इस रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है।
सांसारिक सुख, हम जो इस संसार में रह रहे हैं वहां हमें हर तरह के सुख की आज आवश्यकता है, चाहे वो भोग करने का सुख हो, चाहे खाने पीने का सुख हो, या जैसा भी सुख हम चाहते हैं वो सभी सांसारिक सुख इसके श्रेणी में है। यानी उन सबका मेजर डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। शुक्र के नेगेटिव इफेक्ट, यानी कुंडली में कई बार शुक्रदेव नीच हो जाते हैं और लग्न भी फेवरेबल नहीं होता, उस कंडीशन में बड़े ही घातक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। सब कुछ होके भी कुछ ना मिले या कभी है ही नहीं और उनकी हम सिर्फ उम्मीद करते रह जाएं, तो ऐसी स्थितियों में ये रुद्राक्ष बड़ा ही फायदेमंद हमारे लिए साबित होता है। तलाक से बचने के लिए, पति पत्नी में मैंने आपको यहां बता दिया कि वैवाहिक जीवन में निरस्ता आ रही है, तो निरस्ता का अगला कदम सेपरेशन यानी कि तलाक होना ही होता है। अगर वो स्थिति भी है तो कहीं ना कहीं इनसे, इस रुद्राक्ष के माध्यम से बचा जा सकता है। हालांकि कुंडलियां मिलान या कुंडली का विशेष महत्व है इन सबके पीछे देखने में, लेकिन हम जो हमारी तरफ से उपाय कर सकते हैं मुसीबत के समय या ऐसी विपत्ति में, तो उस समय हमें कुछ ना कुछ ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें उन मामलों से सफलता दिलाएगी जिसका कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या जिसके लिए छटपटा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस समय के लिए, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सोई भी शक्तियां जागृत करने का एक माध्यम ये रुद्राक्ष बन सकता है। देखिए, हमारे पास में, आपने कई बार सुना होगा, हर इंसान में कुछ ऐसी विशेष पावर होती है, सिर्फ उसे पहचानने की देर है। तो हो सकता है कि हमारे पास में भी कुछ ऐसा हो लेकिन हमें पता नहीं चल रहा हो, सिर्फ उसे बताने वाला चाहिए या उसे निखारने वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस रुद्राक्ष की मदद से उन सुषुप्त यानी कि सोई हुई शक्तियों का जागृत करने का मौका हमें मिल सकता है। यानी शुक्र जो महाज्ञानी है, उनका प्रभाव यदि जीवन पे सही तरीके से आ जाए तो इंसान ज्ञानी ही नहीं महाज्ञानी बन सकता है। तो ये ज्ञान की कृपा इस रुद्राक्ष के अंदर है, इस रुद्राक्ष की वजह से संभव है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं, भगवान कार्तिक जी की जो कृपा है उसको पाने का भी माध्यम यही रुद्राक्ष है। आप जानते हैं कार्तिक जी शिव जी की संतान। और इसके अलावा भी एक और चीज है जिसके लिए यदा कदा इसका प्रयोग किया जाता रहा है, लव मैरिजेस। हालांकि इस चैनल के माध्यम से इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जानकारी है इसलिए बताना जरूरी है। लव मैरिज के लिए मैं ऑलरेडी खूब सारे चैप्टर बना चुका हूं, चैप्टर 32, 33, 34, इनमें मैंने पूरा विस्तार से समझाया है कि लव मैरिज करने जा रहे हैं या सिंपल मैरिज, अरेंज मैरिज भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखना जरूरी है। चैप्टर 95 बनाया कि जन्म पत्री कैसे मिलाई जाती है, कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ लव के चक्कर में शादी कर लें और बाद में वो लव तो चला जाए कहीं और, बीच में रह जाए सिर्फ झगड़ा। तो वो सारी चीजें ना हो इसके लिए खाली इस रुद्राक्ष का सहारा लेना उचित नहीं, काफी चीजें देखनी है, पंचम सप्तम इन सब के बाद ही निर्णय लेना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ जानकारी के लिए, फैसला कुंडली मिलान के बाद ही लिया जाना सर्वोचित है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट, कैसा दिखता है और कैसा बनेगा, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए ये वीडियो। तो चलिए आज देख लेते हैं छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन है और क्या इसके अंदर पूरी जानकारी है। तो दोस्तों, ये है छह मुखी रुद्राक्ष का एक लैब टेस्टेड कार्ड जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। और ये इसका नंबर 2.712 जैम ग्राम और ब्राउन राउंड शेप, इसका किस प्रकार का ये होता है तो आप देखेंगे, बड़ी खूबसूरत पैकिंग आती है। ये यहां पर इसका पूरा सील्ड आता है, इस सील को यहां से काटने के बाद ही ये रुद्राक्ष इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरती के साथ में इसके छह मुख यानी कि छह धारियां, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छह, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा इसका जो लुक है। किधर से भी आप इसको देखेंगे बहुत ही सुंदर दिखने वाला, आप ये मान के चलिए। ऊपर से नीचे तक आप इसको देख सकते हैं, दोनों तरफ इसका बहुत ही प्यारा डिजाइन। आपने अभी तक जो सारे रुद्राक्ष देखे होंगे उसमें जो मेन चीज है देखने लायक, वो आप ये देखेंगे कि इनकी धारियों को गिनकर ही इनके मुख के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि ये कितने मुख का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये छह मुखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से, और अब देखते हैं इसकी चांदी में बनी हुई संरचना। तो ये चांदी में देख लेते हैं इसको, ये इस प्रकार से दोस्तों इस चांदी में बना हुआ,
कलर मैंने आपको बताया था अभी कि ब्राउन शेड और उससे रिलेटेड जो भी शेड्स हैं वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। कई बार पॉलिश या इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उससे इसका कलर में हल्का फुल्का अंतर दिख सकता है, लेकिन होगा कुल मिलाकर के ये नेचुरल रुद्राक्ष। ये इसका इस प्रकार से प्योर चांदी 100% चांदी के साथ में एक शानदार संरचना, बहुत ही सुंदर लगता हुआ और बहुत ही सुंदर दिखता हुआ। इसमें भी आप देख सकते हैं 6 धारियां, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 धारी। तो दोस्तों ये 6 धारी का रुद्राक्ष किस प्रकार से ये होगा इसमें आप देख सकते हैं। आपको ये चीज़ हर रुद्राक्ष में मैं कॉमन दिखा रहा हूँ ताकि जो आपके लिए रुद्राक्ष ठीक हो आपको पता चल सके कि हमारे लिए ये किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों ये एक बेहद सुंदर संरचना के साथ में 6 मुखी रुद्राक्ष। तो ये है दोस्तों इसकी पूरी डिटेल, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये मिलेगा जब आप इसका ऑर्डर यहाँ करते हैं या जो भी आपको सुविधा लगती है। बाकी की जानकारी चलिए आगे ले लेते हैं। देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से ये 6 मुखी रुद्राक्ष चांदी में और चांदी की माला के साथ में। अब देखते हैं इसका 6ठा पॉइंट, कब पहनना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं शुक्ल पक्ष के सोमवार प्रातः 9:15 बजे सिद्ध किया हुआ 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में या फिर चांदी की चेन में, जो भी आपने वीडियो में देखी थी, या एक सिंपल चांदी की चेन में भी धारण कर सकते हैं, जो सुविधा लगे आपको अपने बजट अनुसार वो देख सकते हैं। इसके साथ में एक खास बात और, यदि स्टूडेंट हैं तो दाहिने हाथ में यानी भुजा में या कलाई में, दोनों जगह पर भी धारण कर सकते हैं, ये भी फायदेमंद स्थिति है। अन्यथा गले में तो धारण करना सर्वश्रेष्ठ इसे माना ही गया है, जो सुविधा लगे, क्योंकि आप कई जगह देखेंगे ये चीज तो आपको कई जगह अलग अलग रिजल्ट मिले, तो इसके लिए दोनों तीनों ही चीजें एक साथ बेस्ट है, एक साथ बेस्ट मानी जाएगी। 7वां पॉइंट, कौन पहन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। स्टूडेंट्स जो भी हैं, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, लव में फेलियर है या बार बार ऐसा लग रहा है कि मामला जम नहीं रहा है, हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि लव यानी कोई लड़का पट नहीं रहा या लड़की पट नहीं रही तो इस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए पट जाएगा, नहीं वो चीज नहीं है। आपके प्रेम संबंधों में नीरसता यानी मिठास लाने के लिए, अगर नीरसता है तो मिठास के लिए, और अगर मिठास कम है तो और अच्छा प्रगाढ़ बनाने के लिए इस रुद्राक्ष का धारण किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि शुक्र पूरी तरह से प्रेम भोग विलास इन सब चीजों के कारक माने गए हैं। यानी हम जिस कलयुग में आज जी रहे हैं वहां हमें हर चीज का भोग करना है। भोग का मतलब खाली सेक्स नहीं होता, उसमें प्रेम भी है, उसमें खाना पीना भी है, घूमना फिरना भी है, हर लग्जरी चीज का भोग करना भोग विलास कहलाता है। तो दोस्तों ये जो चीज है इसके लिए बड़ा इसका बहुत शानदार उपयोग है, इसको काम में लेने से या ये लोग अगर काम में लें तो फायदे की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा 2रा और 7वां यानी कि वृष और तुला लग्न जो है वो, और इनकी जो राशियां हैं यानी लग्न और राशि दोनों के लोग इसे धारण कर सकते हैं बड़े मजे से, इनके बेहद जीवन में जबरदस्त फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम पॉइंट, विशेष सावधानियां। विशेष सावधानियों में आप देखेंगे मांस मदिरा और किसी भी प्रकार का व्यसन जीवन में ना हो सर्वश्रेष्ठ है, पर स्त्री गमन नहीं हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। बाकी आप समझ सकते हैं सारी बातें कि सावधानियों के बगैर किसी भी चीज का कोई भी लाभ हम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में मैं बता चुका हूं दवा और दारू कभी भी एक साथ नहीं ली जाती, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों का यानी अलग अलग दोनों ही चीजों का महत्व है। जब जिस चीज की जरूरत है वही लेनी है, और क्यों खराब चीज लेनी जब हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव नुकसान यानी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी। अगला चैप्टर 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए होगा, क्या उसकी जानकारियां हैं उसे देखिएगा। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी बात आपको लगी हो, कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल आपके मन में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो आपने सब्सक्रिप्शन लाइक कमेंट और शेयर का सिलसिला जारी रखा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ओके, ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।